हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये बहुत ही खास रहने वाली है आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए, या फिर जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उनके लिए। क्योंकि यहाँ जितनी बार भी वैकेंसी आई है, यहाँ से सिलेक्शन बहुत ऑलवेज हाई स्केल पे हुआ है। अभी बिल्कुल न्यू वैकेंसी है। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बस इतना बता सकता हूँ कि पहले भी यहाँ से बहुत बंदों का सिलेक्शन हुआ है। अब रही सिलेक्शन क्राइटेरिया वाली बात, तो मैं अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर सारी बातें बोल ही देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल के बारे में। जिन्होंने नहीं फॉलो किया है वो टेलीग्राम को याद से फॉलो कर लें। एक बात और बता दूँ मैं आपको कि मेरी जो प्रेफरेंस होती है वो मैक्सिमम 99% जो होती है वो फ्रेशर्स वाले होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस वालों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। बट यहाँ ऑलवेज आपको लेटेस्ट इस चैनल पे ऑलवेज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको जॉब मिलती रहेंगी, और ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको क्या कर लेना है, एक सब्सक्राइब कर लेना है छोटा सा, और जो है घंटी के बटन को दबा देना है। इसके साथ साथ आपको जो है ये टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से फॉलो कर ले, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑल अपडेट लाता रहता हूँ। आपको मैं बताऊँ, कल मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था कि अगर किसी को मेरे से डायरेक्ट बात करनी हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पता है कल कितने बंदों ने ज्वाइन किया? कुल 27 बंदों ने। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बात ही करने का भी वो नहीं है। तो बाद में जब आराम से मन हो जाएगा तब बात ज्वाइन कर लेना, तब आराम से बात करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक चीज और है कि वीडियो की जितनी भी अपडेट होती है वो ऑलवेज आपके लिए होती है और आपके काम की ही रहने वाली होती है, इसीलिए सब्सक्राइब याद से कर लिया कीजिए। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, सभी के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहली वैकेंसी है ये अकाउंट्स वालों के लिए, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अकाउंट्स का ये चैनल ही नहीं है। नेक्स्ट है एडमिन वालों के लिए। एडमिन वालों में क्या मांगा है जी, ME, MTech या BE, BTech, 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ एलिजिबल। नेक्स्ट है थर्ड है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या मांगा है, डिप्लोमा में अगर आपका 0 से 3 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है, और डिग्री में 1 to 4 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है इंजीनियर में। और इरिगेशन में कौन कौन आएगा, कंस्ट्रक्शन, सिविल, इरिगेशन, पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। तो इसमें पाइपलाइन एग्जीक्यूशन आ गया, तो सिविल और मैकेनिकल वाले यहाँ एलिजिबल है। डेजिग्नेशन आपकी क्या रहने वाली है, साइट इंजीनियरिंग रहने वाली है, इंजीनियर सिविल रहने वाला है, प्लस इसके साथ साथ जो मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ एलिजिबल है। और डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया। अप्लाई का लिंक भी आपको सामने ही मिल जाएगा। नेक्स्ट जो और इरिगेशन वाली है, बट इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, ये वाली वैकेंसी आपकी रहने वाली थी, आप देखेंगे हेड ऑफिस हैदराबाद में ऑटोकैड सेक्शन में, जो ऑटोकैड डिजाइनर में होता है, और जो नेक्स्ट वाली वैकेंसी है यह है प्लानिंग में, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया मांगा है, आपके पास डिप्लोमा 0 से 3 इयर्स तक का हो तो बेटर है, और डिग्री जो बीटेक है 1 to 4 इयर्स तक की हो तो बेटर है। अब आप बोलेंगे कि डिप्लोमा को फ्रेशर ले रहे हैं बट डिग्री वालों को 1 साल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा, यहाँ बीटेक वाले भी फ्रेशर एलिजिबल है। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि डिप्लोमा जो फ्रेशर ले रहे हैं तो डिग्री भी फ्रेशर एलिजिबल ही है, इसीलिए मैंने DET, GET मेंशन कर दिया है। इसमें भी सेम, कौन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन सिविल, तो इसमें कौन सिविल और मैकेनिकल वाले दोनों ही एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है पावर एंड ट्रांसमिशन लाइन। पावर एंड ट्रांसमिशन लाइन में नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है, 2, और ऊपर वाले में पोजीशन कितनी थी, 1, और जो पावर ट्रांसमिशन लाइन में 2 वैकेंसी है। और कौन कौन एलिजिबल हैं जी, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, और ये डिप्लोमा भी इसमें फ्रेशर एलिजिबल है, और इरेक्शन कमिश्निंग प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिक वाले भी एलिजिबल हैं, सिस्टम डिजाइन, पावर प्लांट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब एलिजिबल हैं इसमें। नेक्स्ट वैकेंसी है तो जो भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल वाले हैं वो सब अप्लाई इसमें कर दें। नेक्स्ट जो आगे रोड एंड ब्रिजेस में, रोड एंड ब्रिजेस में भी एग्जैक्ट इन्होंने यही मांगा है, डिप्लोमा फ्रेशर और डिग्री फ्रेशर, और क्या क्या मांगा है, ब्रिजेस, रोड ऑपरेशनल, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले एलिजिबल हैं क्योंकि ये फील्ड इंजीनियरिंग के लिए है। नेक्स्ट जो है रोड एंड ब्रिजेस में, और ये हैदराबाद में रहने वाली है, हैदराबाद में कितनी अपॉर्चुनिटी है जी, ये हैदराबाद में अपॉर्चुनिटी है, बट ये जो रोड एंड ब्रिजेस वाली थी इसमें टोटल 19 वैकेंसी थी। और फील्ड में देखिए, आप नॉर्मल सी मानेंगे तो फील्ड में क्या एलिजिबल होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होती है, और हैदराबाद में पोस्टिंग रहने वाली है हेड ऑफिस में। नेक्स्ट जो है हैदराबाद में ही आपकी डिग्री, डिप्लोमा, फ्लाईओवर्स के लिए असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए, असिस्टेंट AE और JE चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसको।
नेक्स्ट जो है रोड एंड ब्रिजेस में इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एक वैकेंसी है और सेम इन्होंने डिप्लोमा का भी एक साल का एक्सपीरियंस। बिल्कुल देखिए, एक साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो कोई आपका एक्सपीरियंस डिफाइन नहीं करता है, एक साल का एक्सपीरियंस होता है आपकी स्किल मेंटेन करने के लिए, इसका आपकी स्किल और आपके वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ एटीट्यूड बनाने के लिए, उसके लिए होता है एक साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है आपका रोड एंड ब्रिजेस में आ गया है, 5 वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की। आप देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी क्या है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी परमानेंट जॉब रहने वाली है रोड ब्रिजेस। और दोस्तों इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है अगर आपके पास डिप्लोमा का एक साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। कितनी वैकेंसी है टोटल मिला के, 5 वैकेंसी है हेड ऑफिस हैदराबाद में रहने वाली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है वाटर में। अब वाटर में क्या चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर चाहिए बट यहाँ एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं और तो यहाँ देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ नेक्स्ट भी वाटर में ही सीनियर इंजीनियर सिस्टम में, इसमें 1 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है और ये सिस्टम एंड ऑपरेशन में है। ये सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर भी एक्सपीरियंस मांगा है और ये इंजीनियर। अब यही इंजीनियर वाली बात इलेक्ट्रिकल में, वैकेंसी कितनी है जी, 5 वैकेंसी हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और इसमें आपको पूरा टीम कोऑर्डिनेशन वगैरह यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है वाटर है सीनियर इंजीनियर हेड ऑफिस में रहने वाली है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अब ये 6 वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर QA QC की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है और कॉन्ट्रैक्ट्स में 7 वैकेंसी है। अगर पर्टिकुलर एक वैकेंसी के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो ये सेक्शन है कि डायरेक्ट अपना रिज्यूम अपलोड कर दो यहाँ। रिज्यूम अपलोड करने के बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना है। दूसरा ये ऑप्शन है कि पर्टिकुलर वैकेंसी को आप अप्लाई करके देखना है। दोस्तों एक चीज़ है कि यहाँ इन्होंने कुछ इस तरीके का IVRCL की तरफ से ये नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें नाम डाल देना है, फिर अपना जेंडर मेल है या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ईमेल एड्रेस डाल देना है, कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ से जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर, की स्किल। दोस्तों पर्टिकुलर ब्रांच की स्किल अलग होती है, की स्किल होती है कि लाइक जो आपकी स्किल्स है, जो आपकी मेन स्किल्स है। अब ये कोई बंधुआ मजदूरी तो है नहीं कि आपको बोलेंगे मेरे को काम चाहिए तो वो लेबर का दे तो लेबर भी कर लोगे, नहीं। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अंदर भी, पर्टिकुलर आपकी कोर ब्रांच के अंदर भी आपकी स्किल्स होती हैं तो वो यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया है, क्वालिफिकेशन का पूरा इन्होंने मेंशन कर दिया है, डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, BE BTech किया है, जो भी किया है मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे इन्होंने इंडस्ट्री टाइप, आप कौन सा इंडस्ट्री लेनी है, तो पावर लेनी है, माइनिंग लेनी है, तो डिवीज़न कौन सा लेना चाहेंगे आप, अगर पावर में पावर ही लेना चाहेंगे। टोटल एक्सपीरियंस जो आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर ही डाल दीजिएगा, मतलब 0 ईयर 0 मंथ, और प्रेजेंट कंपनी में यहाँ फ्रेशर डाल दीजिएगा, प्रेजेंट रेजिग्नेशन में ट्रेनी इंजीनियर, और प्रेजेंट लोकेशन में जो भी आपकी लोकेशन है नोटिस पीरियड मेंशन कर दीजिएगा, 0 डेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 डे का कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और प्रेजेंट CTC होती है कॉस्ट टू कंपनी, तो कॉस्ट टू कंपनी आप मेंशन कर दीजिएगा जितना आपको थंबनेल पे नजर आ रही हो। फंक्शनल एरिया जो भी आपका जिस भी एरिया मेन फंक्शनल एरिया जो होता है, अपलोड रिज्यूम का जो मैंने एक फॉर्मेट है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जो न्यू है चैनल पे वो टेलीग्राम चैनल पे जाके याद से देख ले, क्योंकि मेरे जो ये जो अपलोड किया है मैंने ये बिल्कुल फ्रेशर और एज वेल एज एक्सपीरियंस वाले दोनों ही उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद परफेक्ट लोकेशन करके सेव करके नेक्स्ट कर दीजिएगा, वहाँ आपका रिज्यूम सबमिट हो जाएगा और आपका रिप्लाई भी जल्दी आने के चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।